नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो डेली डोज 6। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा YouTube चैनल है DSSSB PGT TGT NVS KVS हर चीज़ में। ये हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं डेली 25 क्वेश्चंस, ये हेल्पफुल रहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोबारा ना भूलें, ताकि जब भी मैं आगे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं वीडियो डालूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अच्छा, कल ये क्वेश्चन एक था तो ये गलत हो गया था, तो इसका मैं करेक्शन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने लिखा है ये, द अर्लीस्ट पर्सन नोन टू हैव इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन वाज। कौन सा इन चारों में से सबसे पहले, किसने हमारी बॉडी को मतलब कि अलग अलग भागों में बांटने का काम करा था, बॉडी क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर मैंने आपको गलत बता दिया था, मैंने शेल्डन बता दिया था, हालांकि इसका आंसर हिप्पोक्रेट्स है। और बताऊँ तो शेल्डन कहाँ से थे, अमेरिका से थे, अमेरिकन। और हिप्पोक्रेट्स कहाँ से थे, तो ये ग्रीक थे। स्क्रैचर कहाँ से थे, ये हमारे जर्मन थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हिप्पोक्रेट्स है। आप हिप्पोक्रेट्स क्लिक करना, इस पर गलत हो गया था कल, याद रखें। सेकंड क्वेश्चन, द मोटो ऑफ ओलंपिक्स वॉज कॉइंड बाई। मोटो आप जानते होंगे, सिटियस एलटीएस फोर्टीएस। ओके, तो ये जो मोटो था ये किसने दिया था, ए डेमेट्रियस विकलास, बी पियरे बैरन डी कुबर्टिन, डी बैरन डी कुबर्टिन, या सी फादर डिडोन। तो अगर आपने अभी तक ओलंपिक की वीडियो नहीं देखी है तो ओलंपिक की वीडियो देख लीजिए, काफ़ी कंटेंट बहुत अच्छा है उसमें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से बनाया गया है। और एक बार आप ज़रूर देखें, मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या है, डी फादर डिडोन, इन्होंने करा था हमारा ये सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस कॉइन करा था इन्होंने। कॉइन मतलब कि जो मोटो है वो लिखा किसने था, किसने वो बनाया था। जब भी तो हम जब सिक्के बनते हैं तो सिक्के बनने को हम यही कहते हैं कि मिंट हो रहा है, कॉइन मिंट हो रहा है, ठीक है, कॉइंड हो रहा है ऐसे करके। तो और मैं बताऊँ, ये डेमेट्रियस विकलास कौन थे, फर्स्ट प्रेजिडेंट थे हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। पैरन डी कुबर्टिन कौन थे, जिन्होंने हमारे मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट करे थे। बैरन डी कुबर्टिन कौन थे, इनके बेटे थे। थर्ड क्वेश्चन, बॉक्सिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक्स इन विच ईयर। ओलंपिक्स में कौन से ईयर में आए थे, ए 677 BCE, बी 688 BCE, 699 BCE, डी 655 BCE। सही बताया आपने, 688 BCE इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हुआ 6 BCE, 688 BCE में आया था हमारा बॉक्सिंग। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तो हमें आने ही चाहिए ना कम से कम, जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं एग्जाम में, हमें ऐसे तो मिस करने ही नहीं चाहिए जो डायरेक्ट हैं। तो हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, एक ऑप्शन विल्हेम वुंड, बी ऑप्शन विलियम शेल्डन, सी ऑप्शन हिप्पोक्रेट्स, डी ऑप्शन पिल्सबरी। सही बताया ना, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हियर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विल्हेम वुंड सही आंसर है इसका। विलियम शेल्डन तो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से थे, अमेरिका से थे ये, और इन्होंने क्लासिफिकेशन करा था, आपको पता ही होगा क्लासिफिकेशन इनका फेमस, सोमेटोटाइप्स पे, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। ओके गाइस, और मैं अगर बात करूं तो हिप्पोक्रेट्स जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करा था, जैसे कि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया बॉडी क्लासिफिकेशन। हिप्पोक्रेट्स और क्या कहे जाते हैं, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ओके, ये क्वेश्चन भी आता रहता है, दवाइयों के जनक कहे जाते हैं ये। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाई, तो जो टू फैक्टर हमारी थ्योरी है मोटिवेशन की, वो किन्होंने दी थी, ए मैस्लो, बी जंग, सी वॉटसन, डी हर्सबर्ग। सही आंसर इसका हर्सबर्ग है। इसमें टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमारा क्या था, एक तो थे हमारे हाइजीन फैक्टर्स और एक थे हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हमें मोटिवेट करते हैं, हम कहीं भी वर्क प्लेस में कहीं काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, जैसे लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप होगी आप मोटिवेट होगे काम करने के लिए, ठीक है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो आप अच्छे से काम करोगे,
आपको अच्छा वर्क, मतलब कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो आप अच्छे से काम करोगे, आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे सैटरडे संडे की हॉलीडे मिलती है, इतना अच्छा रूटीन है सब कुछ, तो ये आपके लिए मोटिंग फैक्टर है। हाइजीनिक फैक्टर वो होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। डीमोटिवेट में आप ऐसे ले सकते हैं कि आपको इक्वल पे नहीं मिल रहा, आपके साथ वाले को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, आपको कम मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है काम का, दूसरे के ऊपर नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे भी आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे करके ये हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन? ए फ्रेडरिक जॉन, बी फ्रेडरिक जॉर्ज, सॉरी फ्रेडरिक जॉर्ज फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन फ्रेडरिक जॉन, सी ऑप्शन डेविड ली, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो सही बताया ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो हमें आने ही चाहिए। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हियर, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेडरिक जॉन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन। सेवन्थ क्वेश्चन, द बैक थाई मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारे जैसे ये पैर है, ये पैर है, तो इसकी ये जो बैक मसल्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये कहलाती है हमारी हैमस्ट्रिंग। क्वाड्रिसेप तो ये होती है आगे की तरफ, क्वाड्रिसेप। काफ मसल्स ये होती हैं, काफ ये, क्वाड्रिसेप ये, हैमस्ट्रिंग ये, और ग्लूटस यहाँ होती है, ये पैर में सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल होती है। और लॉन्गेस्ट पूछे तो आपको पता ही है। एट्थ क्वेश्चन, स्टेट द की एक्शन इन्वॉल्व इन स्टॉपिंग एनी ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए एलिवेशन, उस पैर को ऊपर उठा लिया जाए, मतलब उस बॉडी के जो मतलब कि प्लेन है उस प्लेन से ऊपर कर दिया जाए पैर को। बी क्लीनिंग कर दी जाए, सी प्रेशर लगाया जाए उसके ऊपर, या डी कूलिंग करी जाए। अगर की एक्शन पूछा है तो हमारा आंसर यहाँ पर बनता है सी प्रेशर लगाया जाए। और नॉर्मली पूछा जाता तो हम क्लीनिंग पहले करते हैं फिर बाद में हम प्रेशर लगाते हैं उसके ऊपर, लेकिन प्रेशर हमारा की एक्शन प्रेशर ही है, सिर्फ ये क्लीनिंग करने से रुकता नहीं है, तो इस वजह से प्रेशर हमारा करेक्ट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ऑल गेम्स? सारे गेम्स की माँ किसे कहा जाता है, किसको? फुटबॉल को, वॉलीबॉल को, क्रिकेट को, जिमनास्टिक्स को। सही बताया आपने दोस्तों, जिमनास्टिक्स को कहा जाता है। जिमनास्टिक्स इज कॉल्ड फादर, मदर ऑफ ऑल गेम्स, माँ कहा जाता है। हर गेम्स इसी से निकला है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा चाहिए होती है, एजिलिटी इतनी ज़्यादा चाहिए होती है, हर चीज़ बहुत, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो जिसमें ये क्वालिटीज हैं वो हर गेम खेल सकता है, इस वजह से इसको मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है। 10th क्वेश्चन, अ डिसीज़ विच इज़ इनबॉर्न, जो बचपन से ही आप में हो, वो डिसीज़ को क्या कहते हैं? कंटेजियस, बी कंजेनिटल, सी कम्युनिकेबल, एंड डी डेफिशिएंसी डिसीज़। बताइए दोस्तों। सही बताया आपने, बी ऑप्शन इज़ राइट हियर, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। कंजेनिटल मतलब कि ये जन्म से ही आपके साथ होता है, और कंटेजियस मतलब कि कांटेक्ट में, अगर आप किसी को टच करते हैं इन, मतलब कांटेक्ट में आने से बीमारी होना किसी के, कंटेजियस। और कम्युनिकेबल मतलब कि किसी से बात करते टाइम जो उनके मुंह से वायरस निकला या कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया निकला वो आप में पहुंच गया और आप बीमार पड़ गए, तो कम्युनिकेबल हो गया बात करते टाइम, या कुछ भी डेफिशिएंसी मैंने आपको बताए रखे हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई, डी की कमी हो गई, तो इन वजह से ये होता है। 11th क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन इन ओलंपिक्स, पहले इंडियन कौन थे ओलंपिक्स में, फर्स्ट इंडियन? तो सही आंसर है इसका नॉर्मन रिचर्ड, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये कौन से में थे? ये ब्रिटिश राज में थे, उस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश राज में। अगर आपसे बाद में पूछा जाए तो हमारा आंसर कौन सा होगा? कशाबा जाधेव। इनके अभी भी मांग चल रही है कि हमें भी भारत रत्न या राजीव गांधी खेल रत्न देना चाहिए हमें। इनका इंडिविजुअल फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल था इनके पास, इंडिविजुअल आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके दोस्तों, आफ्टर इंडिपेंडेंस। और लिएंडर पेज की मैं बात करूं तो टेनिस में इनका मेडल था। कर्णम मलेश्वरी की मैं बात करूं तो ये वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स एंड गॉट अ मेडल, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करके मेडल लिया था। 12th क्वेश्चन, इंडियन हॉकी टीम वॉन गोल्ड इन सालों में से जो ओलंपिक्स में
ओलंपिक्स हुए तो कौन से ओलंपिक्स में हमारा गोल्ड मेडल था? अभी तक 8 बार गोल्ड आ चुका है हमारा। बी ऑप्शन करेक्ट है, 28, 28, 32, 36, 48, 52, 64, 80। ठीक है दोस्तों, इन मतलब 1919 ये लगा लेना आप, तो इनमें हमारा मेडल आया था। 28 चार से डिवाइड होता है, 32 चार से डिवाइड होता है, 36 चार से डिवाइड होता है, 48 चार से डिवाइड होता है। ये नहीं होता, ये भी होता है, ये भी होता है, तो आप इस हिसाब से भी लगा सकते हैं अंदाज़ा कि जो जो चार से डिवाइड ज़्यादा हो रहे हैं वो ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। रिसेंटली डाइड बाबू नंदकर्णी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? देखो मैं एक आध करंट अफेयर भी लेके चलता हूँ, सो डेट आपको फील होए कि करंट अफेयर भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अपना स्टैटिक पढ़ रहे हैं कि ये हर बार जो चेंज नहीं होता, तो वो चीज़ें गलत हैं, आपको रिसेंट चीज़ें भी पढ़नी चाहिए। तो बाबू नंदकर्णी कौन थे? अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं वो वीडियो, बहुत ही मेरे हिसाब से अल्टीमेट वीडियो बनाई है मैंने वो अपनी तरफ से। चलिए, ए ऑप्शन बास्केटबॉल, बी ऑप्शन वॉलीबॉल, सी ऑप्शन चेस, डी ऑप्शन क्रिकेट। तो क्रिकेट से जुड़े थे ये, इन्होंने सारी डिकेड्स को देखा था क्रिकेट आफ्टर इंडिपेंडेंस के हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी फेमस थे। सेलुलर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन इन ह्यूमन्स अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ विच गैस? तो कौन सी गैस में अकर होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन? ह्यूमन्स में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज होता है और प्लस O2, ये रिएक्शन होती है और सामने हमारा ATP निकलता है, H2O निकलता है, प्लस CO2 निकलता है। ओके दोस्तों, 15th क्वेश्चन, यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड? फिफ्टींथ क्वेश्चन, यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड? बच्चों की डिमांड आ रही है कि ये रिप्रोडक्शन पे भी क्वेश्चंस कराए जाएं, हालांकि मैं वीडियो डालूंगा अभी कुछ दिन बाद रिप्रोडक्शन की, प्रॉपर वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो। तो उससे पहले हम थोड़ा अपना भी लेवल चेक कर लेते हैं कि हमें ज़रूरत भी है वीडियो की या नहीं। यूटेरस, हालांकि इजी क्वेश्चन है ये, यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड ए फेलोपियन ट्यूब, बी टेस्टोस्टेरोन, सी वॉम्ब एंड डी ओवम। तो करेक्ट आंसर इसका वॉम्ब है, वॉम्ब को भी यूटेरस कहा जाता है, मतलब कि बच्चादानी आपकी जो होती है। 16th क्वेश्चन, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड? जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है लड़कियों में तो उसको क्या कहा जाता है, जो फर्स्ट पहली बार हुई जैसे, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? ए मोनार्की, बी मोनार्क, सी मेंस्ट्रुअरी या डी नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर है दोस्तों इसका? देखो मोनार्की का तो मतलब होता है कि एक का राज, जैसे हम कहते नहीं है कि मार्केट में भाई इसमें मोनार्की है, तो मतलब कि वहाँ सिर्फ एक आदमी की चलती है। हमारी जैसे डेमोक्रेसी है, हमारा तो लोकतंत्र है, तुम्हार मोनार्की मतलब अलग। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, मेनार्क, CH E है लास्ट में, तो इससे कंफ्यूज ना है, मेनार्क होता है। 17th क्वेश्चन, इन विच एनिमल स्क्रॉटम इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट फाउंड? अब स्क्रॉटम में आपको बताऊं तो हमारा जो सेक्सुअल पार्ट होता है लड़कों का, तो उसमें जो नीचे दो बॉल्स होती हैं, ये पूरे को स्क्रॉटम कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, अगर आप इनको सोच रहे हो कि ये स्क्रॉटम है तो ये गलत है। स्क्रॉटम मतलब कि ये पूरा पार्ट नीचे का, तो ये होता है हमारा स्क्रॉटम। तो ये किस में नहीं होता है? चींटी में नहीं होता, आंट में, मंकी, बंदर में नहीं होता, टाइगर में नहीं होता, तो बताओ दोस्तों, या डी किसी में, इनमें से किसी में नहीं होता? तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, नन ऑफ दीज। एलिफेंट में नहीं होता हमारा, हाथी में नहीं होता, जो हाथी होता है हमारा इसमें नहीं होता हमारा स्क्रॉटम प्रेजेंट। ह्यूमरस बोन इज फाउंड इन लोअर बॉडी, अपर बॉडी, हैंड्स, स्कल। आपको पता ही होगा अपर बॉडी में होती है, शोल्डर से नीचे जो जाती है, अगर ये बॉडी है आपकी, अगर ये बॉडी है तो यहाँ से ये जो जा रही है ये एल्बो है आपकी, ये तो ये जो बोन जाती है शोल्डर से यहाँ, तो इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। 19th क्वेश्चन, स्क्रॉटम ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ विच मसल्स? जो मैंने अभी आपको बताया ऐसे करके, स्क्रॉटस, ये स्क्रॉटम जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, यहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको ये, तो ये किस मसल्स के बने होते हैं? रेड फाइबर्स के, वाइट फाइबर्स के, डेट्रूसफ मसल्स के, या नन ऑफ दीज के?
बताइए दोस्तों किसके बने होते हैं ये? सही बताया आपने, डेट्रूसा फाइबर्स के ये बने होते हैं हमारे। और अगर मैं बात करूँ तो इनका काम क्या होता है, स्क्रॉटम का काम क्या होता है? एक तो देखो इनकी जो एडवांटेजेस हैं, एक तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब रिजिड नहीं होते, इनकी जो मसल्स होती हैं बहुत एक्सपेंडेबल होती हैं और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं ये, इनकी यही क्वालिटी होती है, इस वजह से ये वहाँ पे ये मसल्स हैं। और अगर टेम्परेचर एक्सपेंड कर देते हैं, अगर टेम्परेचर बैलेंस करना हो, और टेम्परेचर बैलेंस ही करना हो तो ये माइनस में भी चले जाता है, मतलब कि ठंडापन भी कर देता है। और ये बना किसका होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, डेट्रूसा मसल्स का बना होता है ये। 20th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल्स? सेल से भी क्वेश्चन आते रहते हैं अब तो। हु डिस्कवर्ड सेल्स? विलियम हार्वे? नहीं, विलियम हार्वे जो मैंने आपको बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए फेमस हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की मतलब हमारा हृदय का जो, दिल का जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, होप आपको समझ आ रहा होगा। बी रॉबर्ट हुक, सी हमारा ऑप्शन है लियोनहेक, और डी हमारा ऑप्शन है स्केलेडेन। तो बताइए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, जिसने सेल डिस्कवर कर रहा था। तो देखो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है इन सब में, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अगर ओनली आंसर ये आता है आपका कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप करेक्ट ऑप्शन करेंगे रॉबर्ट हुक। ओके दोस्तों, रॉबर्ट हुक इन्होंने करा था सबसे पहले, ठीक है। विलियम हार्वे तो मैंने बता दिया, इन्होंने तो दिल कैसे चलता है, हृदय हमारा, वो करा था। अगर मैं बात करूँ लोवेन हुक की, तो लोवेन हुक ने क्या करा था, देखो इन्होंने तो करा था डेड सेल, रॉबर्ट हुक ने करा था डेड सेल। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मतलब डेड सेल किसी भी जानवर का डेड सेल करा था इन्होंने। डेड सेल, और ल्यूवेन हुक कौन थे, इन्होंने करा था लिविंग सेल। तो क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो आप करेंगे लोवेन हुक ने, और डेड सेल किसने करा था, रॉबर्ट हुक ने। और स्क्लेडेन, स्क्लेडेन जो, जैसे मैंने ये लिखा है स्क्लेडेन, इन्होंने क्या करा था दोस्तों, इन्होंने बोला था कि जो जो हमारे प्लांट्स के जो सेल होते हैं, जो प्लांट के जो, मतलब कि पेड़ पौधे इन सब के जो सेल होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ना कि वो ह्यूमन जैसे ही होते हैं। तो प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स, जानवरों से दूसरे सेल्स होते हैं हमारे, जो कोशिकाएं होती हैं वो दूसरी होती हैं इसमें, प्लांट्स में। 21st क्वेश्चन, सी के नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू? आप जानते होंगे क्रिकेट से रिलेटेड है सी के नायडू ट्रॉफी। 22, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज? केमिकल नेम पूछा जा रहा है यहाँ पे विटामिन ए का, तो सही ऑप्शन आपका रेटिनॉल है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में आपको दिखना कम हो जाता है, हालांकि दिखता तो नहीं है लेकिन अंधेरे में भी दिखता है, क्योंकि ऊपर से रोशनी इतनी रहती है, और कहूँ तो ड्राई स्क्रीन हो जाती है हमारी ए की कमी से। बी ऑप्शन यहाँ पे जो दे रखा है ये है थियामीन हमारा, मतलब कि B1। और मैंने आपको बताया B1 की वजह से क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी डिसीज़ होता है, काफ़ी फेमस डिसीज़ है बेरी बेरी। और एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है, तो सी हमारा, सी जो सी विटामिन जो होता है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसको अगर ना आए तो, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, स्कर्वी होगा, क्वेश्चन भी पूछा था मैंने आपसे, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू। और डी हमारा कौन सा होता है दोस्तों, डी विटामिन हमारा होता है कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसका केमिकल नेम ये है कैल्सीफेरॉल। तो डी विटामिन होता है ये, जिसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स। ओके दोस्तों, और अगर मैं बात करूं तो ऑस्टियोपोरोसिस भी इसकी वजह से ही होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें कि पेनफुल हमारी, मतलब हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। अच्छा दोस्तों, 23rd क्वेश्चन के साथ 23वां क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी आर, कितने प्लेयर्स होते हैं? ए ऑप्शन 11 इज़ राइट। इसमें हम, मैं बात करूँ तो हॉकी के भी 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है दोस्तों, क्रिकेट में भी 11 दोस्त प्लेयर होते हैं, और फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। ओके दोस्तों,
तो इन सब में 11 प्लेयर्स होते हैं हमारे, और अगर मैं बात करूं तो इसमें +5 एक्स्ट्रा होते हैं हमारे। ओके दोस्तों, तो ये याद रखें, इन सब में ही सेम रहेगा ये आपका। 24th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ फॉल्स रिब्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर, पेयर नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ वो पूछ रहा है, तो कृपया यहाँ पे 3 ऑप्शन होता तो इस पर टिक ना करें, पेयर नहीं पूछा है। तो फॉल्स रिब्स कितनी होती है हमारी दोस्तों? 6 होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, रिब्स में आप समझ गए होंगे ऐसे, ये जो हमारी छाती के ऊपर ऐसे 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 तो नहीं, मतलब कि ये ऐसे टच होती रहती है, फिर एक और जाती है, फिर एक और जाती है, ऐसे फेफड़े इसके अंदर होते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेनम में एक हड्डी होती है जो प्रोटेक्ट करती है अंदर भी हमारे हार्ट को। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, 1 से 7 तक तो होती हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। ओके दोस्तों, और मैं बात करूँ 8 से 10 तक, मतलब कि 8, 9, 10, 8, 9, 10 कितनी होगी? 3 पेयर, 3 × 2 6, तो 6 इसलिए करेक्ट है यहाँ पे। तो फॉल्स रिब्स हो गई हमारी ये फॉल्स। और मैं बात करूँ फ्लोटिंग की, तो 11 और 12 प्लेयर जो पेयर जो होता है वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। और फ्लोटिंग इसलिए कहा जाता है कि इनका कोई अटैचमेंट खास नहीं होता है, ये ऐसा लगता है कि जैसे ये उड़ ही रही हैं हवा में, और मूवेबल भी होती हैं, इस वजह से फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स भी हमारी ऐसी होती हैं, इनका थोड़ा सा रहता है, मतलब कि अटैचमेंट स्ट्रेनम के साथ, ज़्यादा नहीं रहता, 1 से 7 का स्ट्रेनम के साथ पूरा अटैचमेंट होता है। अच्छा दोस्तों, 25th क्वेश्चन के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं, विच इज़ दी ओल्डेस्ट फिलोसफी, कौन सी है ओल्डेस्ट फिलोसफी दोस्तों? बी ऑप्शन नेचुरलिज्म इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेचुरलिज्म किसने दिया था? रॉसी ने। कल मैं आपको पहला क्वेश्चन इसी से करा के इसकी ट्रिक भी दे दूंगा, जिससे आपको ये याद रहे जैसे मुझे याद रहते हैं। तो रॉसी ने करा था। रियलिज्म की बात करूँ तो अरिस्टोटले ने। और अगर मैं बात करूँ आगे आपकी प्रैग्मेटिज्म की बात करूँ तो ये जॉन डेवी ने। और अगर मैं बात करूँ आइडियलिज्म की तो प्लाटो ने, ये तो फेमस ही है प्लाटो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगली डेली डोज 6 के साथ कल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।